हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। इसमें मैं आपको डेली एक टास्क देता हूं और आपको वो टास्क पूरा करना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं बड़े अच्छे से आप अपनी ईमानदारी से टास्क पूरा कर रहे होंगे। 30 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है, 14 दिन इस सीरीज के हो चुके हैं। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में 15वें दिन में आपको क्या टास्क करना है, ठीक है ना। आज सीरीज का हाफ हो जाएगा, मैं 15 दिन आज हो जाएंगे, फिर 15 दिन बाद और सीरीज और चलने वाली है। तो आप 30 दिन बाद आप पहले दिन से 15 दिन के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, और फिर अगले 15 दिन के बाद पूरे 30 दिन का कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी 1 महीने पहले तैयारी कैसी थी, अब हमें 1 महीने बाद क्या क्या नया नया पढ़ने को मिल गया, और हमने क्या क्या नया नया पढ़ लिया जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था। शायद आपने वो कभी नहीं पढ़ा हो, इतना सीरियसली हो के नहीं पढ़ा हो। टारगेट का मेरा एम ही यही है कि आप डेली आएँ और डेली 7-8 घंटे 5-6 घंटे बैठें और मन लगा के स्टडी करें। आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत ज़रूरी है लगाना। तो ये सब चीज़ें एक रेगुलर वे में होती हैं, एक डिसिप्लिन में होती हैं, तो आपकी तैयारी का अलग ही निखार आता है, ठीक है ना। तैयारी और अच्छे से होती है। देखो, कंपटीशन बहुत है, सही बताऊं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में 3-4 लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हों, या कहीं और पढ़ रहे हों, अपने घर पढ़ रहे हों, बड़े अच्छे से पढ़ रहे हों, 6-7 घंटे दे रहे हों अपने आप को, अपनी मेहनत को, तो वो आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। कंपटीशन का ये सीधा फंडा है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने वाला बंदा आपको कुचल के आगे बढ़ जाएगा, वो सीट ले लेगा। तो इसलिए जितने भी दिन बचे हैं अपनी ईमानदारी से पढ़ते रहें, बाकी के काम 26 और 27 जून के बाद के लिए पेंडिंग कर दें, ठीक। मैं इसलिए यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है आप पढ़ने में भी थोड़ा ढील कर देते हो और थोड़ा सा नर्वसनेस भी होने लगती है। तो नर्वसनेस का तो ये है कि यार सबको हो रही है, सबको होती है, मेरे को भी होती थी जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था। लेकिन एक बार जब आपका एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो जाता है कि हाँ अब तो मेरे एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो गए, अब मेरा कॉन्फिडेंस बनने वाला है, ठीक है ना। तो अपने आप को टाइम दें, अपनी स्टडी को टाइम दें और पढ़ते रहें, टास्क पूरा करते रहें। अब बात होगी आपको 15वें दिन क्या करना है, टास्क में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पढ़नी है। तो आज हिस्ट्री में लगभग ख़त्म होने वाली है, 1-2 दिन की और बची है हिस्ट्री, ठीक। गवर्नर जनरल और वायसराय पार्ट 2 देखना है। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, पार्ट 2 देखना है और इसके क्वेश्चन लगाने हैं। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। होता क्या है, जब हम पहली बार वो चीज़ पढ़ते हैं तो याद मुश्किल होती है, लेकिन आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आराम से याद हो जाएंगे, लेकिन पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो आप पार्ट 2 देखेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी की बात करूँ मैं तो लोकोक्तियाँ और कहावतें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ये 2-3 नंबर फ्री के होते हैं हिंदी में, और हिंदी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। हिंदी में 45, 45, 46, 47 भी आप स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। हिस्ट्री की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, अब पॉलिटी में संविधान संशोधन, पॉलिटी भी लास्ट का ही लास्ट चल रहा है, पॉलिटी भी खत्म होने वाली है आपकी, ठीक है ना। पॉलिटी में आपको संविधान संशोधन जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको याद करने, ठीक है। 91 हुआ, 102, 101, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने हैं। वो संविधान संशोधन भी डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको पढ़ना है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादातर तो हमसे बन जाते हैं। जो नहीं बनते उसमें दिक्कत आती है। जगह अगर मैं बोलूं कि छात्र शिक्षक और विद्यालय, उसका वेन डायग्राम बनाओ, समुच्चय, 3 समुच्चय, 2 समुच्चय, 4 समुच्चय, तो उसमें तो हम वेन डायग्राम, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर कोई बना देगा, ठीक है ना। हर कोई ज़्यादातर बना ही देते हैं, ठीक। और कुछ भी ले लो, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, ये जो बहुत कॉमन है, तो ये वेन डायग्राम 2 समुच्चय 3 समुच्चय के बीच बन जाते हैं।
और अलग टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं वो भी बन जाते हैं। जो जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है कि इतने परसेंट फुटबॉल खेलते हैं, इतने परसेंट क्रिकेट खेलते हैं, इतने परसेंट हॉकी खेलते हैं। ये क्वेश्चन अगर इसमें ऐसे टाइप में दो दो के बीच पूछा जाए, चाय और कॉफ़ी के बीच पूछा जाए, तो आराम से आप बना देते हैं। अगर चाय, कॉफ़ी और दूध तीन तीन हो जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन UP SSC ये तीन वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्जाम में पुट करता है। आपने युवा विकास दल अधिकारी के दो सेट लगाए, उसमें आपको मिले होंगे ये चार क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेन डायग्राम वाले, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन होगा उसमें चार चीज़ें पूछी होती हैं, तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो वीडियो देख लेना, आपके सारे क्लियर डाउट हैं जो सारे वो क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे, लेकिन आपको जो अच्छे से पढ़ के जाने हैं वो ये पढ़ के जाने हैं कि इतने परसेंट हॉकी खेलते हैं, इतने परसेंट क्रिकेट खेलते हैं, इतने परसेंट क्रिकेट खेलते हैं। फिर उनमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर UP SSC में पुट होते हैं, तो वो क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। वो एक वीडियो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ये वीडियो देख लेना, काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बात करूँ मैं स्टैटिक की, तो स्टैटिक को आपको पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक है, नदियों के किनारे स्थित शहर, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ना। वो जो क्वेश्चन आते हैं वो चार क्वेश्चन एक साथ आते हैं, ठीक है। आपके चार क्वेश्चन मतलब 8 नंबर एक साथ रीजनिंग में इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ो जो बल्क में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे DI हुई, DI पूछी जाएगी तो चार क्वेश्चन एक साथ बल्क में पूछे जाते हैं, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का हो गया वो वेटेज। वेन डायग्राम भी का अगर क्वेश्चन आया तो वो चार क्वेश्चन आएगा, चार क्वेश्चन आएंगे एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछ लेगा छोटा सा, चार क्वेश्चन एक साथ पूछा जाएंगे, तो 8 नंबर ये यहाँ आपके बन गए, ठीक है ना। तो ऐसे जो टॉपिक हैं वो बड़े अच्छे से करने, और ये नंबर आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ये आपका स्कोर इंक्रीज करते हैं एग्जाम में, ठीक। तो इतना सा पढ़ना है, मैं सारा जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और पढ़ते रहें अच्छे से, मेहनत करते रहें। आपके जो मेहनत है उस वो आगे आने वाले आपके भविष्य का निर्माण करेगी, और आपको मेहनत के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार एग्ज़ाम में अपना रोल नंबर फाइनल लिस्ट में ला के सेलेक्शन ले लें, और बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं अगले टास्क में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो।